Hello student, greetings from Indore Public School. Hope you all are doing well and stay safe at your home with your family. In last lecture, we had completed till exercise 3.6. In this lecture, we will continue from the new topic LCM. LCM means lowest common multiple. The LCM of two or more given numbers is the lowest or smallest of their common multiples. हमने common multiples निकालने सीखा है. उस common multiples में जो सबसे छोटा number होता है, वही LCM कहलाता है. Now, method for finding LCM. There are two types of method. First one is division method and second one is factor method. Now, let us discuss in your book only factor method is given. Now we will continue and discuss both the method, first division method then factor method. Now, first method is division method. Let us see division method with the help of example. Find LCM of 12, 18, 27 and 36. Division method means you have to divide the number by the prime numbers. First, here see. Or at least, जिस भी number से आप यहाँ पर divide करें, at least कम से कम दो number, given number का दो number, उस number से divide होना चाहिए. तभी उस number से आप divide करें. 12 and 36 divided by 2. और जो number नहीं divide होगा, उसको as it is ही रखें. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, 27 नहीं डिवाइड होता है एज इट इज आएगा, 36 2 से डिवाइड होगा 18, अगेन 6 एंड 18 डिवाइडेड बाय 2, 3, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज एंड 2 से 18 डिवाइड होगा 9. अब यहां पे मैं देख रहा हूं 3 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर, 3 से डिवाइड 1, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 1 3 1. सी हियर ओनली 3 इज डिविजिबल बाय, तो आप यहां पर अगर 3 लिखते भी हो तो लास्ट में 1 आएगा तो वो 3 ही रहेगा. तो आपने देखा सबसे पहले उस नंबर को फाइंड करो जो कि गिवन नंबर को एटलीस्ट 2 ऐसे गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा हो. नाउ एलसीएम ऑफ LCM of 12, 18, 27 and 36 is equal to जितने भी यहां पर बाहर में नंबर दिए हुए इन सब को मल्टीप्लाई करिए. 2 into 2 into 3 into 3 into 3 और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिलता है तो इसको छोड़ना है. 2 into 2 4, 4 into 3 12 into 3, 36 into 3, 108. So LCM of the given number is 108. देखिए नाम है least common factor, but जो number मिलता है वो हमें given number से bigger मिलता है. और HCF है highest common factor, but उसमें जो number मिलता है वो lowest मिलता है जो given number का, क्योंकि factor क्या होता है हमेशा गिवन नंबर से छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं, बट जो मल्टीपल होते हैं वो गिवन नंबर से हमेशा बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं. इसीलिए कॉमन मल्टीपल और कॉमन डिवीज कॉमन फैक्टर भी समझना आपको जरूरी है. कॉमन एचसीएफ और एलसीएम समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं ये बेसिकली अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके. Second method, factor method. Let's see this method with the help of example. Example, find LCM of 8 and 20. First, you have to write the factor of 8. Factors of 8 is equal to 2 into 2 into 2. We are talking about only prime factors. Now, factors of 20. That is 2 into 2 into 5. आप यहाँ पे find भी कर सकते हैं 2, 4, 2, 2, 20 को 2 से divide किया, 10, 10 को 2 से divide किया,
सबसे पहले इसमें कॉमन जो है उसे आप सर्कल कर दो, कॉमन वाले टर्म को एक ही टाइम लिखना है और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें भी लिखना है। सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 इज इक्वल टू 2 × 2, इन दो टू कॉमन के कारण 1 × 2, ये कॉमन 2 के कारण 1 × 2, एंड दिस वन इज लेफ्ट एंड 5 इज आल्सो लेफ्ट। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2, 8 × 5 गिव्स 40। सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 इज 40। अगर हम मल्टीपल्स के लिए करें, मल्टीपल्स मेथड, 8 की टेबल लिखिए, 20 की टेबल लिखिए, जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 40 आएगा। सपोज हमने 8 का टेबल लिखा, ट्वेंटी की टेबल लिखते हैं, सी 40 इज अ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 20 एंड दैट इज लिस्ट आल्सो, सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 इज 40। डिस्कशन, वी आर एबल टू डिस्कस, वी आर एबल टू डू एक्सरसाइज 3.7। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रेनु परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 केजी एंड 69 केजी। Find the maximum value of the weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. Given number को exact number of times कौन करता है divide? HCF. Highest common factor जो होगा वो उनको exact number of times क्या करेगा? Divide करेगा. तो आपको ऐसे केस में HCF find करना है. Now, for finding maximum weight, we had to फाइंड एस सी एफ ऑफ 75 एंड 69। 75 और 69 का आपको एस सी एफ फाइंड करना होगा। फैक्टर्स ऑफ 75, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 69 3 × 23। नाउ एस सी एफ ऑफ 75 एंड 69 इज इक्वल टू 3 इज अ कॉमन, सो 3 केजी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 केजी। अगर 3 केजी का वेट हो तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 75 को भी मेजर करेगा और 69 को भी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस It should cover so that all can cover the distance in complete steps. See, ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, कहां पे हमें LCM फाइंड करना है, कहां पे SCF फाइंड करना है, जहां भी मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे मिनिमम वर्ड यूज होगा वहां पे एलसीएम फाइंड करना है और जहां पे मैक्सिमम वर्ड यूज होगा वहां पे एससीएफ फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 डिवाइडेड बाय 7 वी गेट 9, 10 एंड 11। आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू अगेन डिवाइडेड बाय 9 और 10 और 11, यू गॉट द सेम 9, 10 एंड 11। That means LCM of 63, 70 and 77, 7 into 9 into 10 into 11, that gives 6930 centimeter. Therefore, the minimum distance is 6930 centimeter, where the student covered the complete steps. Now, third question. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. Longest, that means HCF. Words से आपको पकड़ना है कि यहाँ पे HCF find करना है कि LCM.
क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं. नाउ द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेल इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450. होप सो कि आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे. इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो आप खुद से करेंगे. एचडब्ल्यू रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एचसीएफ हमने निकालना सीखा है. आप यहां से एचसीएफ जो निकलेगा वो मैं बता दे रहा हूं, 75 सेंटीमीटर आएगा. दैट इज द लॉन्गेस्ट मेजरमेंट ऑफ द टेप आएगा. तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट लिस्ट नंबर फाइंड करिए जो कि गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. आप जानते हैं कि एलसीएम जो हम फाइंड करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो, वो इन सारे नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा. तो सबसे पहले गिवन नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना होता है. सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 अगर आप फाइंड करेंगे, 6, 8 एंड 12, 2 से डिवाइड होगा 3, 4, 6 होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा 3, एज इट इज रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 गेट 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 एज इट इज एंड 1. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3 × 2, वी गेट 24. एंड आप जानते हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 होता है. तो वैसा नंबर हमें फाइंड करना है 100 से ऊपर या हम जो और 999 से छोटा, जो कि 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल हो. वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 24. मल्टीपल ऑफ 24 होगा मतलब 24 से वो डिविजिबल होगा. 24 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे 48, 3 से करेंगे 72 और उसके बाद 4 से करेंगे 96, 5 से करेंगे 120. तो 96 तक तो 2 डिजिट नंबर था. जो पहला नंबर मिला 120 क्या है, 3 डिजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना था. हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 8, 10 and 12. Any number exactly divisible by the given number, that means LCM of that number. LCM of 8, 10 and 12, you can find, you get the 120. And now we need to find the greatest 3 digit number multiple of 120. अगर वो मल्टीपल होगा 120 का तो वो इन सभी नंबर से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर कोई नंबर है और वो किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी क्या होते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं. इसीलिए 120 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 960 एंड 120 इंटू 9 वी गेट 1080. बट 1080 इज अ 4 डिजिट नंबर, इसीलिए इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा और ग्रेटेस्ट हमें फाइंड करना था. तो 120 इंटू 8 वी गेट 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? जब भी हमें पता करना हो कि मैक्सिमम क्या लगेगा, उस समय हम LCM मिनिमम क्या होगा टाइम जब वो एक साथ सिंक्रोनाइज होंगे, तो LCM फाइंड करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 48, 72, 108 का हम जब LCM फाइंड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 432 seconds. आपको तरीका मालूम है, आप कैलकुलेट करेंगे. Hence, lights will change together after every 432 seconds. Therefore, the lights will, अब seconds को हम मिनट में चेंज कर देते हैं. Therefore, the lights will change simultaneously at 7 minute 12 seconds. That means, अगर मैं 7 am की बात करूंगा तो 7:07 12 सेकेंड पर वो लाइट क्या होगा, साइमल्टेनियसली
चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थ्री टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं वेट वाला। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू SCF ऑफ द गिवन टैंकर्स। सो आप SCF फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कंटेनर का, कैपेसिटी होगा टैंक, तो जो कि क्या लिखा हुआ, कैपेसिटी ऑफ टैंकर दैट कैन रिक्वायर द मेजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, उसको मेजर कर पाएगा। आंसर आएगा 31 लीटर। आप खुद से सॉल्व करेंगे इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लीस्ट नंबर, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए LCM फाइंड करना है। LCM ऑफ 6, 15 एंड 18 इज 90। आपको कैलकुलेट करने आता है, कैलकुलेट करेंगे 90 आएगा। रिक्वायर्ड नंबर 90, दैट मींस 90 इज अ नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 15 एंड 18, बट कंडीशन क्या बोल रहा है, लीव्स रिमाइंडर 5। तो जो LCM आया इसमें हम प्लस 5 कर देंगे, 95 आएगा। अब 95 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। 95 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। 95 को 18 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। Hence 95 is the required amount. Now question number 9, find the smallest 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32. ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो सबसे पहले हम LCM फाइंड करते हैं और LCM का फिर हम मल्टीपल फाइंड करते हैं। LCM ऑफ 18, 24 एंड 32 आप जब कैलकुलेट करेंगे व्हाट वी गेट, 288। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 288। 288 की टेबल जब हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, जब 3 से कर रहे हैं तो 864 आ रहा है और जब 4 से कर रहे हैं तो 115 आ रहा है। 864 इज अ 3 डिजिट नंबर, इसलिए ये नहीं होगा। हमें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 152 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। 18, 24 और 32 से ये क्यों डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि जो LCM आ रहा है वो ऑलरेडी 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल है, तो उसके जो नेक्स्ट मल्टीपल होंगे वो भी इस नंबर से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 एंड 4, 12 एंड 5, 6 एंड 5 एंड 15 एंड 4। हियर यू कैन सी ऑल आर द को प्राइम नंबर्स। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन LCM। जब आप LCM फाइंड करेंगे तो ऑब्जर्व करना है क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। इज LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। जब आप LCM फाइंड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इन ईच केस द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज द LCM। सो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, दिस इज फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो जो हाईएस्ट नंबर होते हैं वही उसका LCM होता है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 20, 6 एंड 18, 12 एंड 48, 9 एंड 45, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। यहाँ पर देखिए 5 और 20 को जब हम LCM निकालेंगे तो 20 आएगा, 6 और 18 का LCM निकालेंगे 18 आएगा, 12 एंड 48 का LCM निकालेंगे 48 आएगा, 9, 45 का निकालेंगे 45 आएगा। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ग्रेटर नंबर जो है वही LCM है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वही उसका LCM होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क है। And that's enough for this lecture. This exercise is already completed now. And thank you. Practice more at your home. Stay safe at your home. Keep learning. Thank you.